नमस्कार मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आपका वीकेंड अच्छा चल रहा होगा। टुडे इज संडे, इट्स अबाउट 6 AM राइट नाउ, और मैं नीचे आ गया हूँ अपने लगेज लेके आया। और जिन्होंने नहीं देखा है मेरा पहला वीडियो, जो नहीं जानते हैं एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनके लिए बोल दूँ कि देयर इज़ अनदर वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि मैं कौन हूँ। वैसे मेरा नाम अनुराग हजारिका है। सो वो वीडियो मैं लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ आई बटन में। सो अभी मैं फ़िलहाल नीचे का पार्किंग में आ गया हूँ, अभी सामान वगैरह डालूँगा। टुडे वी आर मूविंग फॉर डिब्रूगढ़। मैं अभी गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जाऊँगा विद माई डैड एंड मेरी दादी को छोड़ने के लिए। सो माई ब्रदर एंड माई मॉम विल बी स्टेइंग हियर, जो लास्ट टाइम मेरा ब्रदर आ गया था। सो दे विल बी स्टेइंग हियर। यहाँ से डिब्रूगढ़ इज़ अराउंड 420-430 किलोमीटर, समथिंग लाइक दैट, एंड विल बी गोइंग बाय दिस कार हियर। आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था, वैसे 5 बजे के करीब। पैकिंग वगैरह मैंने कल रात को ही कर लिया था। सो अभी अपना सामान थोड़ा बहुत डालने आ रहा हूँ, क्योंकि और सामान लेके आना पड़ेगा बाद में। हाँ, ओवर पैकिंग की मेरी थोड़ी सी चुल है। दिस इज़ माई कपड़े वाला पैक। तो मैं कोशिश करी जितने कम कर सकूँ, एंड दिस इज़ माई लैपटॉप है, ये तो ज़रूरी है ही बिकॉज काम रहता है मेरे को, तो इसी में सब कुछ है क्या। वैसे बूट स्पेस, ये सीट खोल देने से बूट स्पेस काफ़ी मिल जाता है, एंड सिंस ओनली 3 पैसेंजर्स आर देयर, सो ईज़िली मतलब आगे भी जगह है रख सकते। दादी वगैरह अभी रेडी नहीं हुई है फुली, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस जूते पहनने बाकी रह गए। सो आपको आज कितना दिखा पाऊँ बिकॉज ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई बी ड्राइविंग, डैड इतना ड्राइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो स्टार्टिंग में या फिर बीच में करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस लाइक वो मुझे ही कवर करना पड़ेगा, तो आई विल बी ड्राइविंग। तो ड्राइविंग के वक्त तो मैं सिंस मेरे पास वो हैंडलिंग वगैरह ऑप्शंस ट्राईपॉड वगैरह है नहीं अभी, सो आई हैव टू डू इट बाय हैंड, सो इट्स वेरी डेंजरस। सो फिर से मैं बता देता हूँ कि कभी चलाते हो वैसे मोबाइल वगैरह से रिकॉर्डिंग ना क्या करे, दोनों हाथों को फ्री रखा करे। सो विल बी टेकिंग दैट हाईवे नंबर 715 अभी जिस जो हो गया है, आई थिंक इट्स 715 और 714, पहले दूसरा था। सो विल बी टेकिंग दैट हाईवे टू डिब्रूगढ़। अब इसको मैं मिनी ट्रिप्स बोलता हूँ बिकॉज डिब्रूगढ़ में हमारा होम टाउन है, सो हम इन अ ईयर लाइक 3-4 ट्रिप्स छोटे मोटे करते रहते हैं ये वाला। सो इट्स नॉट बेसिकली ट्रिप, हमारा होम टाउन है तो वहीं पे जाते रहते हैं। बट वही मैं लास्ट वीडियो डालने के बाद आई वॉज वंडरिंग कल कि अब नेक्स्ट क्या डालूँ। सो लकीली ये वाला ट्रिप आ गया, सो आई कैन शो यू समथिंग। एंड सो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे अच्छा अच्छा और कंटेंट डालने की कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से बिल्कुल। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। इतना अर्ली मॉर्निंग इसलिए निकलते हैं बिकॉज यहाँ पे सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है एंड सनसेट भी बहुत जल्दी हो जाता है। वी लूज लाइट एट अबाउट 5:35 के अंदर अंधेरा हो ही जाता है यहाँ पे। सो उससे पहले पहले पहुँचना है अभी, बस हाईवे में फिर ट्रक्स के कारण बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है ड्राइविंग पे, लाइट्स के कारण। फर्स्ट हाफ अभी फ़िलहाल डैड चला रहे हैं, उसके बाद आई ड्राइव। Yeah, I got that, man. So this footbridge.
इसमें स्केलेटन वगैरह सब लगाया हुआ है। एंड यूजुअली हम ये वाला रास्ता लेते हैं आज स्टेट ही जा रहे हैं क्योंकि ये अच्छा अर्ली मॉर्निंग है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लाईओवर है जहाँ से अभी लेफ्ट टर्न लेंगे हम, मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे काफ़ी जाम रहता है। सो इन ऑर्डर टू बाईपास दैट हम लोग क्या करते हैं कि उस फ्लाईओवर में चढ़ जाते हैं, वहाँ से राइट साइड से टर्न लेके तो उससे बाईपास हो जाता है। बट आज होपफुली नहीं होना चाहिए जाम क्योंकि अभी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है। सो इसी फ्लाईओवर की बात कर रहा था तो हम लोग वहाँ पीछे से लगा के फ्लाईओवर से चढ़ के यहाँ से चले जाते थे। ये वाला जो लेफ्ट टर्न है यहाँ पे बहुत जाम होता है बिकॉज बसेस वगैरह यहाँ पे रुक जाते हैं, आगे जाके जो बड़े वाले बस होते हैं तो यहाँ पे काफ़ी जाम लग जाता है दिन के टाइम पे एंड शाम के टाइम पे, मतलब दिन भर में ही जाम ही रहता है। वैसे अभी सुबह के कारण नहीं है, ये खाना पड़ा है। और अभी हम थोड़ी देर के लिए मेघालय एंटर करेंगे। सो यूजुअली हम फ्यूल अप मेघालय वाले पोर्शन से करते हैं वहाँ के पेट्रोल पंप से, बट आज तो फ्यूल फुल है सो नहीं करेंगे क्योंकि मेघालय में पेट्रोल के रेट थोड़े से और कम है इन कंपैरिजन टू असम। 5 रुपये ना, 4-5 रुपये, 4-5 रुपये का डिफरेंस रहता है। इस रास्ते पे राइट साइड पे जितने भी पेट्रोल पंप से इस साइड पे ये सारे मेघालय के अंडर पड़ते हैं, तो इस पे सारों में रेट्स मेघालय वाले रेट्स पड़े वो मिलेंगे। बट यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है इस इलाके में, क्रॉसिंग आगे जाके है। सो और मैं वो भी दिखा दूँगा, एक गणेश मंदिर है उसके नीचे से फुटब्रिज के नीचे से आप घूम के आ सकते हैं अगर आपको ऐसा डालना है, या फिर आगे अगर इफ़ यू आर गोइंग इन थ्रू दिस रोड इटसेल्फ आगे जा रहे हैं तो आगे और मिल जाएंगे बहुत है काफ़ी। सो अभी हम जूराबाद साइड पे जा रहे हैं एंड विल बी क्रॉसिंग अराउंड 5 districts इंक्लूडिंग मतलब ये कामरूप मेट्रोपॉलिटन जो कि गुवाहाटी वाला है। सो ऑन रास्ते में और 4 districts क्रॉस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन असम इज 33, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए हैं। डिब्रूगढ़ विल बी द 6th district। डैड हैज गॉट सम प्लॉट ओवर हियर दिस साइड में, आगे जाके है इस साइड में प्लॉट।
सो वी ऑल्सो गेट टू यूज़ दिस पास फ्री ऑफ कॉस्ट. यहाँ के लोकल्स को यहाँ पे है, यहाँ इस साइड पे जाके आगे है. सो ये पहला टोल गेट आ रहा है. सो इफ़ यू शो दिस पास, अगर आप यहाँ के लोकल हैं देन दे विल लेट यू पास विदाउट एनी टोल. वैसे वी हैव दिस थिंग, सो हमको ये कवर करना पड़ता है ताकि फास्टैग से ऑटोमेटिकली कट ना जाए. वैकेंट बट अभी भी है, किसी किसी में आदमी लोग रहते हैं, बट बहुत ही जल्द खाली हो जाएगा पूरा. एंड देन गवर्नमेंट विल ऑक्शन दिस प्रॉपर्टी. दिस इज़ द स्कूल, द केवी विच यूज टू बी, अभी आई डोंट नो अभी खुला है कि नहीं, नॉन फंक्शनल है बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स वे फ्रॉम पेपर मिल फैमिलीज ओनली, बट सिंस इट हैज़ क्लोज डाउन सो अभी पता नहीं. और ये अभी बंद बंद पड़ी है. सीधा जाओ खुला, सीधा जाओ खुला. आमली घाट एक्चुअल जगह का नाम है, बट सीधा जाओ खुला करके यहाँ पे वो डायरी है आमली घाट की. सीधा जाओ खुला असमिस में लिखा हुआ है. एंड यू कैन बाय, अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडक्ट्स आप यहाँ से खरीद सकते हैं. पहले हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कभी कभी खाते थे. छोटी छोटी कोटी जो दिख रही है यहाँ पे, सेट हेयर एंड पे हम लोग अपना पैक लंचेस, और सॉरी लंचेस बोल रहा हूँ, तो ब्रेकफास्ट लेके आते थे. द वॉज ड्यूरिंग कोविड, जब लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन खुल गया था. एंड देन आफ्टर बिफोर द सेकेंड वेव हम लोग ट्रैवलिंग, दैट टाइम ओपन नहीं होते थे कोई भी रेस्टोरेंट्स वगैरह. सो यूज़ टू कैरी आर ओन फूड थिंग्स, रास्ते में रुकते थे. एंड देन वी यूज़ टू हैव इट आइदर ऑन इनसाइड द कार, और ऐसे आगे कोटियाँ मिल जाती तो वहाँ पे हम बैठ के खाते थे. सो रोहा क्रॉस करके ही हम लोग थोड़ा सा वाटर ब्रेक, अभी आल ड्राइव नाउ फ्रॉम हियर एंड विल गो दैट वे. जहाँ जहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे वहाँ पे मैं दिखाऊंगा डायरेक्टली. होटल न्यू राजकमल असम अमोनी नौगांव 80 रोड. सो जस्ट स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट एंड
ये सामोगुरी थोड़ा सा क्रॉस करके आगे में रुका है, दिस इज द ढाबा, आई विल शो यू। पहले भी मैं एक बार भाई के साथ जब मैं तेजपुर आया था तो यहीं पे रुका था, एंड दे हैव गुड पार्किंग स्पेस, सो गाड़ी वाड़ी रुकने के लिए अच्छा है, बसेस वगैरह भी रुकती है यहाँ पे, एंड देयर शॉप्स हियर, सो इट्स बेटर टू यू नो पार्किंग स्पेस वगैरह, एंड रनिंग होटल है तो यहाँ पे फास्ट सर्विस होता है। बाकी सब जगह में ढाबा में अगर नौगांव वगैरह में रुकते तो वहाँ पे दे टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू प्रिपेयर द फूड, सो वहाँ काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। सो टाइम अगर बचाना है तो डेफिनेटली ऐसे रनिंग होटल्स में रुकना चाहिए। अगर टाइम आपको नहीं बचाना है, मीन आपके पास काफ़ी टाइम है, देन यू शुड जस्ट यू कैन जस्ट गो टू एनी ऑफ द होटल्स। सो दिस इज व्हाट आई ऑर्डर्ड, आई एम हैविंग पूरी, एंड सब वही खा रहे हैं बिकॉज दिस वॉज फास्ट, रोटी वॉज द अदर ऑप्शन बट वी हैड पूरी, सो खा लेता हूँ पहले। सो पर प्लेट वॉज लाइक 50 rupees, पूरी सब्जी तो गुड एनफ। अभी तो अभी डैडी चलेंगे, मैं अभी फिलहाल बैठूंगा वापस से। ये वाला तेजपुर का रास्ता है लेफ्ट साइड में, हम सीधे ही चलते रहेंगे। सो तेजपुर टाउन यहाँ से कितना दूर है? 25 किलोमीटर, नॉट वेरी फार। तो तेजपुर में क्या है, तेजपुर में आपका है पागलखाना है वहाँ पे, गणेश घाट वगैरह वहाँ पे, वो हम लोग गए थे वहाँ पे, अग्निगढ़ एक थोड़ा हाइट पे वो है ऐसा आपका, हाँ आर्कियोलॉजिकल पार्क एक है वहाँ पे, थोड़ा हाइट पे, वहाँ से थोड़ा सा व्यू भी दिखता है, वहाँ पे नदी है, ब्रह्मपुत्र का एक पार्ट यहाँ पे दिखता है, तो ये कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे, एक जगह है रिवर आइलैंड है, पता नहीं आजकल कैंप लगता है कि नहीं। बंदा घुसे हैं अभी, घुस के निकलने वाले हैं अभी, सो यहाँ पे भी होटल्स हैं राइट साइड में, पूरे होटल्स मिलते हैं खाना खाने के लिए। पहले बसेस वगैरह रुकते हैं, आजकल भी रुकते हैं बट इतना नहीं रुकते हैं आजकल। टी गार्डन, यहाँ पे बहुत सारे टी गार्डन हैं, और हम लोग अभी काजीरंगा एंटर कर रहे हैं, सो अगर वहाँ पे कुछ दिखता है तो दिखाऊंगा। अक्सर राइनोस वगैरह दिखता है बट आज नहीं है, आज हाँ है, वो दूर पे एक है बट मेरा फोन इतना जूम नहीं होगा, बट है, देयर इज वन, आई विल शो यू, वो रहा वहाँ पे दोनों कैमरे, हाँ ये अगर आपको दिख रहा होगा राइट देयर, कैन यू सी इट, यस, बस मेरा कैमरा का जूम इतना ही पावरफुल है, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा क्लियरली, सो यहाँ पे है छोटा सा एलिफेंट, तीन तीन, अभी सन बहुत तेज है, सो दिस इज सुखापा भवन, अगर आपको दिख रहा होगा बहुत ही बढ़िया गेट है, कभी अंदर गया नहीं हूँ मैं, अभी बाद में कभी जा, सो
123 right now. We have reached Jhaazi right now, and this is some I don't know, this Assamese hotel. It's, can you see the name? It's up there. Dishang kitchen, I guess so. Dishang dhaba likha hua hai wahan pe to. So abhi yahan pe lunch karenge and then we'll move forward. So just said lunch, maine dikhana hi bhul gaya kyunki bahut matlab thoda bhook lag raha tha, to जैसे ही लंच आया मैं टूट पड़ा उस पर डायरेक्ट. एंड अभी आई ऑर्डर्ड चिकन एंड रोटी. इट वाज नॉट अप टू द मार्क, मतलब चिकन वाज टू टाइट एंड वाजंट कुक और मे बी इट वाज टू ओल्ड. सो टॉयलेट वगैरह तो ठीक ठाक ही है, मतलब इतना साफ भी नहीं है. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग इस साइड आ रहे हो तो यहाँ से 50 meters पीछे ही एक जाजी ढाबा है राइट साइड में. दैट इज़ मच बेटर. वहाँ का फूड वहाँ पर हम लोग खाए हैं, दैट फूड इज़ मच बेटर ओवर देयर. तो मेरे को वही अच्छा लगा था. सो आई एम गोइंग टू ड्राइव अगेन नाउ. सो जस्ट रीच मोरान. फ्रॉम हियर आवर डेस्टिनेशन इज अबाउट 1 hour, यू कैन से एग्जैक्टली 1 hour. मोरान इज अ स्मॉल टाउन बिफोर डिब्रूगढ़. सो यहाँ पे थोड़ा सा काम है, कुछ सामान देना है जो हमारी मौसी के लिए भेजा था गुवाहाटी से. सो हम यहाँ पे वो उतार देंगे एंड देन फ्रॉम हियर विल मूव फॉरवर्ड. हम डायरेक्ट डिब्रूगढ़ में मिलेंगे. इट वॉज अ लॉन्ग राइड. सो ये है मोरान टाउन छोटा सा. हेलो. सो आई हैव रीच्ड एट अराउंड 5 PM. उससे पहले पहुंचा था लेकिन बीच में हमने फिर ब्रेक ले लिया एंड अभी बहुत थक गया हूँ. घर वर नहीं दिखाऊंगा. हम लोग मतलब यहाँ पे भी एक घर है, तो दिस इज़ ऑल्सो आवर होम ओनली. बट यहाँ पे हमारी बुआ रहती है, बुआ. सो शी लिव्स हियर. एंड तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ. अभी मुझे पता नहीं ये कब तक ऑनलाइन जाएगा, बिकॉज मेरे एडिटिंग स्किल्स बहुत ही अभी ढीले हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एडिट करने में. सो देखता हूँ कल परसों तक अपलोड कर दूँगा. सो होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा. सो मैं आगे अब आपको दिखाऊंगा अपना गांव के साइड का एंड डिब्रूगढ़ वाले थोड़ा बहुत इलाका दिखाऊंगा. अब पता नहीं कि यहाँ पे कितने दिन हूँ, फिलहाल फ्यू डेज तो हुई ही, 3-4 days. एंड उसके बाद विल गो बैक. द प्रॉब्लम इज़ दैट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली एंड बाई कार. ये मेरा कज़न है वैसे, हाय बोल दे. सो प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम लोग फिर अगर कुछ दिखता है तो ऑल टाइम रुक के उसका दिखा नहीं पाता हूँ. समटाइम्स इफ़ आई गो बाय माई सेल्फ देन अच्छे से सीनरी वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा. लेकिन आज का बहुत ही हॉच पॉच वाला वीडियो रहेगा, मतलब एवरीथिंग वाज वेरी जल्दी जल्दी वाला. जो कार से दिखा वही देखा है, स्पेशली उतर के कहीं पर कुछ शॉर्ट्स वगैरह नहीं लिए हैं. बट चलो ठीक है, इनिशियली दीज आर इनिशियल वीडियोज़ एज आई टोल्ड यू, ट्रायल एंड एरर वाला वर्जन है ये सब. तो फिर मिलते रहेंगे. हैव अ गुड नाइट, एंजॉय, बाय बाय.